अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे स्प्रिंग रोल। स्प्रिंग रोल बनाने के लिए मैंने लिया है ये गाजर, बंद गोभी और प्याज मैंने काटी है, और ये शिमला मिर्च है। इसको थोड़ा सा फ्राई करने के लिए मैंने लिया है हाफ टेबल स्पून ब्लैक पेपर, साल्ट एंड 1 टेबल टीस्पून शक्कर लिया, और ये 1 टेबल स्पून मैंने लिया है सोया सॉस। चलिए हम इसको फ्राई करते हैं। हम इसमें डालेंगे पैन, मैंने रख लिया है और फ्लेम ऑन कर लिया है, और 1 टेबल टीस्पून हम डालेंगे इसमें ऑयल। यस, पैन हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे ये सब। आठ से 10 मिनट तक हम इसको, ताकि हमारी गाजर थोड़ी सॉफ्ट हो जाए, हम इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। हम इसमें डालेंगे ये सोया सॉस। ब्लैक पेपर, साल्ट और शक्कर इसमें डाल दी हमने। देखिए हमारी अच्छे से हो गई है गाजर, गल गई है। अब हम इसको यहाँ से हटा लेते हैं ठंडा होने के। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैंने ये थोड़ा सा चीज़ भी लिया है, और मैंने इसमें थोड़ी सी चिकन भी ऐड की है। चिकन को मैंने साल्ट लगा के और ब्लैक पर थोड़ा सा लगा के इसको भी मैंने फ्राई कर लिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा चीज। चाहे तो थोड़ी सी चिकन भी इसमें ऐड कर लें, चिकन के सेपरेट भी बना सकते हैं। इसकी पट्टी मैंने आज सुबह खुद ही बनाई है, और मैंने इसकी रेसिपी यूट्यूब पे लगा दी है। ये मैंने आटे का पेस्ट बनाया है, इसमें 2 टेबल स्पून वो डाल के पानी। ये देखिए हम अब इसकी मदद से इसको बंद कर लेंगे ऐसे। देखिए इस तरह अब हम सारे बना लेते हैं। हम इसमें आप चाहें तो चीज़ भी ऐड कर लें, मोज़रेला चीज़, नॉर्मल चीज़, कोई भी जो भी आपको पसंद हो। अब हम इसको इस तरह से बंद कर लेंगे। इसके बाद हम रेडी करेंगे अपने समोसे। अच्छे से और सॉफ्टली से रोल हो जाता है, बहुत ही अच्छा बना है जी। मैंने समोसे की पीठी बनाने के लिए मैंने ये बॉयल्ड आलू लिए हैं, और ये मैंने चॉप कटी हुई प्याज ली है, धनिया लिया है मैंने, और ये चिली फ्लेक्स लिया है, चिली फ्लेक्स से 1 टेबल स्पून है, और नमक भी मैंने उतना ही लिया है 1 टेबल स्पून, और ये रोस्ट जीरा और रोस्ट ये है वो साबुत धनिया है, इसको थोड़ा सा पीसा हुआ है ये। अब मैं इसकी पीठी बना लेती हूँ। ये मैंने पैन ले लिया, फ्लेम ऑन कर लिया, और इसमें अब 1 टेबल स्पून मैं ऑयल डालती हूँ। अब मैं इसको 5 से 6 मिनट के लिए इसके अंदर थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ।
अपने हिसाब से मसाले तेज़ और हल्के भी रख सकते हैं, मैंने नॉर्मल रखे हैं। अगर आप मिर्च चिली तेज़ खाते हैं तो तेज़ डाल सकते हैं, एक्स्ट्रा मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। बस 4 से 5 मिनट के लिए इसको चलाना है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है फ्राई करते हुए। आप मेरी रेसिपी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। उसके साथ बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, फिर नई आने वाली रेसिपी आपको फिर देखने में मिलेगी। मेरी सब रेसिपी फ्री हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी समोसे की पिठी रेडी हो चुकी है, अब हम इसको निकाल लेते हैं ठंडा होने के लिए। चलें ये देखें, मैंने ऐसे लिया एक पट्टी को, ऐसे किया यहाँ तक उसको मिला के, और फिर यहाँ तक उसको मैं ले आई, ठीक है। और फिर हम इसको यहाँ पर हम लगाएंगे ये जो हमने बनाया है। जो हम पेस्ट बना के रखा हम इस चीज़ को कर लेंगे बंद, और अब हम डालेंगे इसके अंदर और अब हम इसको कर लेते हैं बंद। देखिए ऐसे करके इसको, देखिए इसको ऐसे से बंद किया, फिर हमारा कितना अच्छे से बंद हो गया। देखिए इस तरह इसको बंद करके, और इसके ऊपर ये देखें हमारा समोसा रेडी हो चुका है। ये देखें हमारे सारे समोसे बन चुके हैं, हम इनको फ्राई करते हैं। हमारा पैन गरम हो चुका है, हमने इसमें तेल डाल दिया है, अब हम बिस्मिल्लाह करके इसमें समोसे ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम हम हल्का ही रखेंगे। चेक करते हैं क्या है, ब्राउन हो चुके हैं नीचे से। जैसे क्वेश्चन में हम 4 से 5 मिनट के बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। अच्छे से ब्राउन हो रहे हैं हमारे समोसे। ये देखिए हमारे गर्मा गर्म समोसा और रोल्स रेडी हो चुके हैं। केचप चटनी, टमाटर की चटनी आप किसी के साथ भी ले सकते हैं। अपनी दुआओं में हमें याद रखें। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।